प्रेमियों, शेर ताराचंद के किस्से के पांचवें भाग की रागनियां आपकी सेवा में पेश हैं। बात उस समय की है कि चंद्रगुप्त अपनी नई दुल्हन धर्ममालकी को टापू पर सोती छोड़कर और अपने जहाज को लेकर चल देता है। तो उसके मन में एक तरफ तो घर वालों के डर से पत्नी को त्यागने का विचार और एक और उस अबला नारी को ईश्वर के भरोसे पर अकेली छोड़ने का निश्चय। मन में ये दो विरोधी विचार उथल पुथल मचा रहे थे और अपने द्वारा किए गए पाप पर अपने को धिक्कारता हुआ चंद्रगुप्त क्या कहता है। सोती छोड़ दई सेठानी, और बिस्तर पे ते हुया खड़ा, हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु ने चाल पड़ा। सोती छोड़ दई सेठानी, बिस्तर पे ते हुया खड़ा, हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु ने चाल पड़ा। हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु ने चाल पड़ा। ओ कहीं चोरटी में है तारी, मात पिता ते हुया अलैदा, हे ईश्वर तेरी गत नारी, हापुड़ के माँ करनी पड़ी मनसा की तपेदारी। और किसे का दोष नहीं मेरे रूठ गए गिरधारी, क्यों कर ठाऊं उठता कोना, क्यों कर ठाऊं उठता कोना, जो हरिचंद जाला जबर घड़ा। हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु न चाल पड़ा। सोती छोड़ी से ठाई, बिस्तर पे ते हुया खड़ा, हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ू ना छोटी जाती गोरिया भरतार बिना, ओड पहर के सिंगरी गोरी मैं सब सरिया लाचार बना, अपने हाथा नाड़ काट दी पापी अत्याचार बना, खाना पीना सब छुट गया थे इसे वक्त बीमार बना, सर पे मोड़ बांध के ब्याही, सर पे मोड़ बांध के ब्याही, और राही में दिया काट धड़ा। हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु न चाल पड़ा। सोची छोड़ दई सेठानी, बिस्तर पे ते हुया खड़ा, हे भगवान भरोसे
से तेरे बाप की तले जहते तार धरी पेरा ना कौन खसम बनेगा तन की कई संदूक भरी ओड पहर के सिंगरी गोरी सर पे चमके चीर जरी धर्मराज के चले मुकदमा माफी दे दिए मन परी खुद तो ते की गलती ते जो खुद तो ते की गलती ते जो काबुल का अंगूर सजा हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु न चाल भड़ा सोती छोटी से छाई बिस्तर पे चुया खड़ा हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु न चाल भड़ा सजन ने टोवे रोवे अखियां खोल परी टापू के माना जहाज मिलेगा तेरी कौन पटावे तोल परी केसर कैसी ढेरी मेरी उजड़ेगी बेमोल परी लक्ष्मी चंद सत गुरु के आगे प्रेम की बाणी बोल परी दिल्ली में ते जाता दिखे ओए दिल्ली में ते जाता दिखे इस तारा चंदा उठ खड़ा हे भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु न चाल भड़ा सोती छोड़ी से धाई बिस्तर पे ते हुया खड़ा भगवान भरोसे तेरे छोड़ बहु न चाल भड़ा। इस प्रकार पत्थर का सा दिल करके चंद्रगुप्त अपनी पत्नी को छोड़कर अपने घर आ गया और सच्चे मोतियों का जूड़ा अपनी भाभी को आकर के दे दिया। लेकिन चंद्रगुप्त की भाभी ने जब उसका रूप और उसका हाल चाल देखा तो एकदम समझ गई कि सच्चे मोतियों का जूड़ा बिना शादी के कहीं नहीं मिल सकता। और फिर बनड़े का सा उसका भेष साफ बता रहा था कि चंद्रगुप्त ने जरूर शादी करी है। तो भाभी कहती है चंद्रगुप्त से कि देवर तेरी आंखों में ये शाही शरीर पर उबटना मला हुआ हाथ में कांगना और चादरे के हल्दी लगी है इन सब बातों का क्या मतलब है। तू साफ साफ बता दे कि कहां से ये मोतियों का जूड़ा तुझे मिला है और वह तेरी दुल्हन कहाँ है जिसके साथ में तुमने शादी की है। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त की भाभी चंद्रगुप्त से क्या पूछती है। भली करी थी पण में सर ने राजी खुशी आ गया सच्चे मोतियों का जूड़ा हाथ कड़े तला क्या भली करी थी पण में सर ने राजी खुशी आ गया खरी से लाल और जूड़ा चीज़
माँ नींद भरी से तू रात न कित जाग्या। बलि करी थी परमेश्वर ने राजी खोस आ गया। सच्चे मोतिया का जुड़ा हाथ खड़े चला गया। बलि करी थी परमेश्वर ने राजी खोस आ गया। शाही रंग बन रे याला छा गया। बलि करी थी परमेश्वर ने राजे खोज आ गया। सच्चे मोतिया का जुड़ा हाथ खड़े चला गया। बलि करी थी परमेश्वर ने राजे खोज आ गया। बलि करी थी परमेश्वर ने राजे खोज आ गया। सच्चे मोतिया का जुड़ा हाथ खड़े चला गया। बलि करी थी परमेश्वर ने राजे खोज आ गया। मेरे मन भाग्या। बलि करी थी परमेश्वर ने राजे खोज आ गया। सच्चे मोतिया का जुड़ा हाथ खड़े चला गया। बलि करी थी परमेश्वर ने राजे खोज आ गया। औरतें बार बार शादी करने की बात चंद्रगुप्त से पूछती रही, लेकिन चंद्रगुप्त तो झूठ बोल बोल कर अपनी बात को साबित करता रहा। कहता है कि भला भाभी, शादी भी कोई छिपाने की चीज होती है, मैं शादी को क्यों छिपाता। मैंने कोई शादी नहीं करवाई है, लेकिन घर वालों को तो कतई इस बात पर यकीन नहीं आया। और इधर चंद्रगुप्त को इस बात का भी दुख हो रहा था कि अपनी ब्याहली को अकेली टापू पर छोड़कर चला आया था, और इधर शादी का भेद भी नहीं छिप पाया था। तो चंद्रगुप्त की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन किसी के सामने रो भी तो नहीं सकता। मुंह दबको कर घर में जाता है और छिप कर रोने लगता है। कवि ने उसका क्या वर्णन किया है।
शादी का जिक्र चला जब नाड़ तले न गो के जान पटन के डर का मारा घर में बढ़ गया रोक जल पीवन का उड़ा ले के चलू भर मुँह धो लिया करके ओट आत्मा रोकी दुख मन ही मन रो लिया भाभी के बोलना का अपने तन में सेल गडो लिया पीसा दिला होत लको में करे लगो लिया रे ब्याह में करे लगो लिया के मिल जागा चंद्रगुप्त के मिल जागा चंद्रगुप्त के तम बोल कसे चुबो के जान पटन के डर का मारा पटी जब तू ब्याही आई थी सब कुनबे के चाव चढ़ा जब चले में आई थी जिंदगी भरना भूल सके तू जितना धन लाई थी डोले आगे मारे कुनबे की बीर खड़ी पाई तीरी बीर खड़ी पाई थी जहाँ शादी और जन्म मरण ने जहाँ शादी और जन्म मरण ने हाँ रखे कौन लगो के जान पटन के डर का मारा घर में के करूं गुजारा हुक्म बजाना हो से जड़े गालो उड़े चल्या जासूं पर टेम पे आना हो से भूख प्यास में मरते मरते जब कदे खाना हो से चलते के दूनी यार लगे ईसा क्यों दिन ताना हो से हो से हाँ चंद्रगुप्त कर जिकर घर उड़े चंद्रगुप्त कर जिकर घर उड़े दूर जागली वासो के जान पटन के चरखा मारा घर में भरियारो के ब्याह शादी का चक्कर चला जब
मर्द की जड़ में, हाँ मर्द की जड़ में सेवा करती पीर जागनी चाहिए। पीर मर्द की दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए। समझनिया मानस ने ना सती पीर त्यागनी चाहिए। जिससे पूरा मतलब हो जा इसी रागनी चाहिए रे, इसी रागनी चाहिए। हाँ कह लक्ष्मी चंद पड़े काटना, लक्ष्मी चंद पड़े काटना। जिसे आया था वो के घर। तो चंद्रगुप्त घर में रो रोकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उधर लड़की धर्ममाल की सुबह होते ही टापू पर जाग जाती है। उठकर देखती है कि मेरे पति कहाँ चले गए। यहाँ तो टापू पर मैं अकेली हूँ। हाय राम, वे जहाज को लेकर कहाँ गए। बेचारी घबरा जाती है और क्या कहती है। सोती उठ के देखन लगी, दूर से ठे की जाई ना जहाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। सोती उठ के देखन लगी, जाई ना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। हाँ और किसे का दोष नहीं से मेरी करनी का फल से, डटे ते भी कुना डटता जो बने होली की झड़ से। साजन तेरी ब्याही कागल से काटे क्यों बने के कसाई, ना जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई। सोती उठे देखल लागी, हो ऐसे दे पीताई, ना जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई। हाँ बे माता ने, बे माता ने जूड़ी बल्दी मारूंगी टक्कर डाण के, तेरी ब्याही रोवे से सजन ले लेने दया आन के। मात पिता ने राम जान के पंचा में पल्ले लाई, जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई। सोती उठ के देखन लागी, ओ ऐसे थे पीताई, ना जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई। हाँ राम भरोसे इस टापू में बेखट के ते सोगी, और इब आगे का बेरा कुना क्यों कर के होगी। तेरी मोहन मालार पैरन जोगी
टापू में तोड़ बगाई ना जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई सोती पैदे खड़ लागी और ऐसे देखी जाई ना जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई चंतू पार उतर जा कृष्ण के गुण गाके इसी सोचे था फिर साजन तू क्यों लाया था ब्याके हाँ मेरे साजन संग वाले आके रेते में रड़े से कमाई ना जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई दिखाई। इस प्रकार धर्ममाल की पहले तो सोचती रही कि हो सकता है मेरा पति कहीं इधर उधर चला गया हो और मेरे साथ में किसी प्रकार की हंसी मजाक कर रहा होगा और शायद कुछ देर में जरूर आ जाएगा। लेकिन जब पति की बात देखते देखते धर्ममालकी की आंखें भी सूज गई तो वह समझ गई कि अब मेरे पति नहीं आएंगे। तो ख्याल आया कि भला मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, अब तो मुझे भी इस दरिया में ही डूब करके मर जाना चाहिए। और फिर अपने पति को याद कर करके उसके द्वारा अपने साथ में किए गए अन्याय पर उसे धिक्कारती है और क्या कहती है। सिंगल दीप ते मन ब्याह के लाया और ला टापू में गेरी बज्जर कैसी छाती कर लिए बहु मरेगी तेरी सिंगल दीप ते ब्याह के लाया लाटापू में गेरी बज्जर कैसी छाती कर ले बहु मरेगी तेरी सांस आनंद के ले से तू पिया सांस आनंद के ले से हाँ जो ब्याही ने दुखड़ा दे से जो ब्याही ने दुखड़ा दे से उसकी हो जा डुबा देरी बज्जर कैसी छाती कर ले बहु मरे सिहणी गिर गई पिंजरे के मसीणी गिर गई
और छोड़ दी करिया खेरी बचल के शादी कर ले बहु मरेगी तेरी हो तुम्हारी पते जाके लाया लाटा पू में गेरी बचल के शादी कर ले बहु मरेगी तेरी मंदर जैसी घूर समझ मने इंदर जैसी घूर समझ मने इंदर जैसी के उठे जाल समंदर जैसी उठे जाल समंदर जैसी मूल जटे ना मेरी बजर कैसी छाती कर ले खेमी चंद कदे हंसता कोना यूं दिखे घरे बसता कोना यूं दिखे घरे बसता कोना बाहर जान का रसता कोना बाहर जान का रसता कोना दई पानी ने घेरी लेकिन फिर धर्ममालगी कुछ हिम्मत से काम लेती है। उसके दिमाग में एक विचार आया। अपने केस बिखेर लिए, भगवा रंग का वस्त्र धारण कर लिया, अपना सब जेवर उतार दिया और इस प्रकार से एक साधु का रूप बनाकर टापू पर बैठ गई और निरंतर अपने पति का ही ध्यान करती रही। और फिर मन मन में क्या कहती है, धर्म मालिकी से ठाणी का गात जहर ते भर लिया हो लत्ते कपड़े धरे तार के बेस फकीर कर लिया हो धर्म मालकी से ठानी का गात जहर ते भर लिया हो लत्ते कपड़े धरे तार के बेस फकीर कर लिया हो धर्म माल की से ढाई का हाँ इतनी जल्दी भूल गया तन मोड़ बांध गाही थी चाके माँ पल्ला पकड़ा मैं तेरे संग आई थी हीरे पन्ने कणी मई मैं कितना धन लाई थी उसके धोरे भी ना छोटी उसके धोरे भी ना छोटी जिन्हें पेट फाड़ जाई थी
घर तक बीतन जान दई ना, घर तक बीतन जान दई ना। तू पहला में झटके डर लिया हो, धन मालकी से धाई का बात कहते भर लिया हो। लत्ते कपड़े धरे तार के देश फकीर कर लिया हो, धन मालकी से धाई का। तने मिली इस किसने हूर मिली थी, जिंदगी तक की बाजी लाके तेरे साथ चली थी। मात पिता ने कुछ ना सोची, मात पिता ने कुछ ना सोची, मेरे गल में फांस घली थी, ठाके गोज में घाल लिए तेरा, ठाके गोज में घाल लिए तेरा। लाल रेत में चर लिया हो, धर्म मालकी से ठाई का गोज कहते भर लिया हो। लत्ते कपड़े धरे तार के बेस फकीर कर लिया हो, धर्म मालकी से की मात पिता की जेठी मैं अड़े डरती की जान लिकड़ जा, कितनी के ढेटी मैं लत्ते कपड़े टूम ठेकी तार धरे सब पेटी मैं। टप्पू के मां छोड़ गया के, टप्पू के मां छोड़ गया के, कर्मा की हेची मैं तेरे बांधन आला चीरा सा जन, बांधन आला चीरा सा जन। मन संगवा के धर लिया हो, धर्म मालकी से ठाणी का काट के भर लिया हो। लत्ते कपड़े धरे थार के बेस फकीर कर लिया हो, धर्म मालकी से ठाणी का। ना सोची बहु छोड़ दी सोती, चोगर दे ने पानी पानी ना दिखे ना तिगोती, बिन जोरी के परख सके ना पड़ा रेत में मोती। टप्पू के मां पैर पति की, टप्पू के मां पैर पति की, मुंदी पड़ पड़ चोती उल्टा फिर के देख तेरा यो, उल्टा फिर के देख तेरा यो। मां सुख फिकर में मर लिया हो, धर्म मालकी से ठाणी का गात गहते भर। इधर तो धर्म मालकी साधु के रूप में ध्यान मग्न होकर के टापू पर बैठी हुई है, उधर से एक व्यापारी का जहाज उसी रास्ते से चला आया जो कि दिल्ली को जा रहा था। व्यापारी ने टापू पर अकेला बैठे साधु को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। साधु के पास जाकर उसको प्रणाम किया और अपने साथ में ले चलने के लिए व्यापारी साधु से क्या कहता है, मोटी मोटी आँख डली सी
जोर चटके का टप्पू के मां बाबा जी एक आरा साके का इस प्रकार व्यापारी के जहाज में बैठकर साधु रूप में धर्म मालकी दिल्ली में आ गई। अपने पति की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उसके व्याकुल मन में क्या क्या विचार उठते हैं, गौर से सुनिए।
जहाज के मां बैठ सेठानी वा आई दिल्ली में फिरे तो होती किते मिले ननंद का भाई दिल्ली में जहाज के मां बैठ से ठानी आई दिल्ली में फिर टोटी मिले ननंद का भाई दिल्ली में भाई दिल्ली में मन सुती ने छोड़ दी कर क्या था यो दुख दूना से इतना प्रेम पिया मन तेरा तन्ने क्यों न से तेरी शान का मेरे काल जे में लिखा नमूना से यो जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सुना से जगत बसाया बसे राम का तेरे बिन सुना से तेरे बिन मेरी के यारी और तेरे बिन मेरी के आई और असनाई दिल्ली में अपने अपने मतलब के लोग लुगाई दिल्ली में हाँ जहाज के मैं बैठ से ठानी आई दिल्ली में फिर टोटी मिले ननंद का भाई लुकरा होते बोल पड़े होली जो हंसी तेरी थी दुनिया के माटो हूँ सू तलाशी तेरी थी तुम ठेकरी और माया सत्यानाशी तेरी थी जुक के तेरा करूं आरता मैं दासी तेरी थी जुक जुक के मैं करूं आरता मैं दासी तेरी थी तेरे दम के कारण ठोकर तेरे दम के कारण ठोकर मन खाई दिल्ली में सुनता होते मत आयो त्रिया जाई दिल्ली में जहाज के मैं बैठ से ठानी आई दिल्ली में फिर टोटी मिले ननंद का भाई दिल्ली में भाई दिल्ली में टप्पू मैं छोड़ दी कर गया कोना चला जोर मेरा धोखा देख चला गया तू फेरा का से चोर मेरा खिड़की आंख लखावन में जिब तू पाया से चोर मेरा हापुड़ तक तने टोहूंगी बस इतना हक से और मेरा अपुन कटन टोंगी बस इतना हक है और मेरा हाँ तेरे कारण मेरे सजन
तेरे कारण मेरे सजन दुख पाई दिल्ली मैं, फिर बहावड़ के दर्शन दे अन्याई दिल्ली में। जहाज के मबैदर से ढाई के कितने मैं भर पाली। चूहा पुड़िया तै डर गया सुन दिल्ली के दिलवाली, तेरा सांच माच मुंह पाया चिकना पेट पड़ा खाली। सांच माच मुंह पाया चिकना पेट पड़ा खाली। मांग संदू हटा के खाक रमाई दिल्ली में, राजघाट पे आके धुई लाई दिल्ली में। हाँ चार के मैट से ताराचंद के किस्से का पांचवा भाग अब यही समाप्त होता है।